हेलो, वॉइस क्लैरिटी है? यस सर, आप ये पीपीटी भेज दोगे ना? बिल्कुल भेज देंगे, भेजने के लिए बनाया जाता है। तो अभी कुछ कुछ हम लोग मतलब ये सब जो क्लासेस हैं वो जनरल डिस्कशन की क्लासेस इसलिए भी रखी जा रही हैं क्योंकि आपकी इनसाइट बननी चाहिए अबाउट द कोर्सेज, कॉलेज और फ्यूचर एस्पिरेशंस। सो होता क्या है कि मोस्टली लोग जब तुम्हें सजेस्ट करते हैं कि पढ़ने के लिए तो बोलते हैं बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा डेटा, बहुत सारा ओपिनियन पढ़ लो, क्या हो रहा है मार्केट में पढ़ लो। ठीक है, वो सब तो जरूरी है ही, अपने आप को अपडेट रखना। बट बेसिकली आप अगर अपने उसमें क्या बोलते हैं उसको, मतलब अगर कोर्स से या फिर फ्यूचर एस्पिरेशन से या फील्ड से सिंक नहीं होगे तो ना ही आप बैलेंस्ड दिखोगे इंटरव्यू में, ना ही आगे आपको कोई अपॉर्चुनिटीज उस तरह की दिखेंगी। तो इट विल बी ऑल अबाउट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग और व्हाट मेनी पीपल कैन प्रे, मतलब कैन से कि दैट यू आर डूइंग गुड। उसी पर्सपेक्टिव से हम सारे अपने लाइफ को डिफाइन करने लगते हैं। तो बेसिकली उससे ऊपर तुमको उठना है ना। वी एक्सपेक्ट यू टू बी लीडर इन वॉट एवर यू डू। और एट द सेम टाइम हम इस इशूज को भी समझते हैं कि मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट पीपल से अबाउट सोशल सेक्टर की लेस पेइंग जॉब है या फिर जॉब प्रोस्पेक्ट्स की कमी है। तो ऑल्दो इसके कॉन्ट्रारी ऐसा है कि अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो दे आर कमिंग अप विथ न्यू एंड न्यू प्रोफाइल्स विच आर बेस्ड ऑन दिस सोशल सेक्टर एजुकेशन। और एट द सेम टाइम हमें इस चैलेंज को भी लेना पड़ेगा कि इफ दैट पर्टिकुलर या इफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज नॉट हाई पेइंग तो हाउ कुड वी मेक इट सस्टेनेबल एंड मोर एम्प्लॉयबल इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पीपल एंड इन ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ सैलरी दैट पीपल आर गेटिंग। तो इस पे भी हमें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने होगा कि आप MBA करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे, देन वाई आर यू कमिंग टू सोशल वर्क। तो ये सब चीजें भी कई बार पूछने में या टीचर या प्रोफेसर भी ऐसा पूछ सकते हैं तुमसे कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, यू कुड हैव डन MBA, या फिर आप मेडिकल बैकग्राउंड से थे, आप उसमें रिसर्च कर सकते हो एंड यू कुड हैव अर्न मच मोर देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट हियर इन सोशल सेक्टर। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि जो बहुत पहले जब 50s के टाइम में जब इंडिया में पहली बार सोशल वर्क का कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो इट वॉज कॉल्ड MSW, ठीक है, मास्टर इन सोशल वर्क। और मोस्टली इसमें वो जाते थे जिनको, खैर उस समय ऐसा था कि बहुत हाई पेइंग और लो पेइंग जॉब नहीं था, नीदर द इनकम हैज शोन एनी इम्पैक्ट ऑन योर लाइफस्टाइल। मतलब इस पॉइंट से मेरा क्या मतलब है कि जैसे अगर आप बहुत पैसा कमा भी रहे हो तब भी आप कपड़े वही पहन रहे हो, है ना, वही फैसिलिटीज यूज कर रहे हो बिकॉज देयर वाज नो प्रोडक्ट ओरिएंटेड सोसाइटी। आज क्या है कि आप अगर ज्यादा अर्न कर रहे हो तो वो आपके ओवरऑल जो आपका स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उस पर वो दिखता है एंड यू कैन एस्पायर फॉर मोर एंड मोर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विथ रिस्पेक्ट टू द मनी दैट यू आर अर्निंग। तो पहले तो चलो उस मोटिवेशन के साथ ये कोर्स लोग करते थे जिनको वाकई दे फील पिटी अबाउट और द प्लाइट ऑफ पीपल जो गरीब हैं या जो अवेयर नहीं है या जिनके जो मेन स्ट्रीम में नहीं है। तो वैसे को लोगों के लिए ये कोर्स हुआ करता था एंड देयर वाज नो मच जॉब पर्सपेक्टिव, वो एक KRA और JD नहीं डिफाइन होता था, दे वर जस्ट सोशल वर्कर। वो गांव में जाते थे, लोगों से बात करते थे, कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश करते थे, उनके लाइफस्टाइल में इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते थे, ठीक है, ये सब चीजें था। बट ग्रेजुअली फ्यू इंस्टीट्यूशन और नॉट ओनली इन इंडिया, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड पीपल हैव स्टार्टेड प्रोफेशनलाइजिंग दिस एजुकेशन। प्रोफेशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि तुम बीमार हो,
सो यू विल ऑलवेज गो टू अ एमबीबीएस डॉक्टर, है ना. आप प्रेफर करोगे कि हम एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएं रेदर देन गोइंग फॉर विद फॉर समवन हु नोस जस्ट मेडिसिन और डिजीज, है ना. क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि द बेस्ट यू कैन डील विथ और बेस्ट सजेशन दैट यू कैन गेट फ्रॉम अ एमबीबीएस डॉक्टर बिकॉज ही इज प्रोफेशनली एजुकेटेड. तो एक वन ऑफ द क्राइटेरिया जो डेवलप हो जाता है आफ्टर प्रोफेशनलाइजिंग कि वो काम जो ट्रेंड है वही कर सकते हैं, है ना. दैट्स व्हाई तुम देखे होगे कि बहुत सारे लोग अपने एस्पेक्ट को अपने काम को प्रोफेशनल की तरह रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं. व्हेन दे से प्रोफेशनल इन इट दैट मींस कि अदर पीपल हु आर नॉट ट्रेंड एनफ और नॉट वर्कड एनफ इन दिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल दे कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोफेशनल क्योंकि कुछ इंसाइट्स हैं कुछ स्किल्स हैं कुछ ऐसी ट्रेड ट्रिक्स हैं विच प्रोफेशनल कैन ओनली डू बिकॉज वो प्रोफेशनली ट्रेंड है. तो ऐसे एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग है मेडिकल है लॉ है ना मैनेजमेंट है दिस आर कॉल्ड प्रोफेशनल एजुकेशन और प्रोफेशनल स्ट्रीम्स जहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट कि एक एमबीए किया हुआ बंदा और एक नॉन एमबीए जो है उनके बीच में इतना सारा स्किल गैप तो होगा ही, है ना. बिकॉज दैट्स वाई वी विल हायर ओनली एमबीए फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल बिकॉज वी नीड दैट स्किल्स. तो सिमिलरली अगर आप लॉयर की बात करो या फिर किसी भी और उसके बाद तो अभी ऐसा भी है कि पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन दैट वी सी अराउंड अस इन अ प्रोफेशनल वो. कल मैं किसी का जोक देख रहा था स्टैंड अप कॉमेडी में तो देयर वाज वन पर्सन हु वाज प्रोफेशनल बेबी सिटर. सो सी मतलब कि व्हाट हैपेंड हियर इज कि बेबी सिटिंग इज द बेस्ट. आप पहले अगर सोचो तो एनीवन हु हैज सम अफेक्शन टुवर्ड्स चिल्ड्रन कैन बेबी सिट, है ना. बेबीज बेबी के साथ मतलब आप बेबी सिट कर सकते हो या फिर बच्चों के साथ खेल कूद कर सकते हो उनके दिन के कुछ आवर्स आप कंफर्टेबली स्पेंड कर सकते हो. तो आप बेबी सिटर हो सकते थे बट नाउ ही हैज मेड इट अ प्रोफेशनल ये बिकॉज ही इज ब्रिंगिंग मोर एंड मोर आउटपुट बेस्ड ऑन सेम जॉब. तो इस तरीके से वो तो मैं बता रहा था कि किसी भी तरीके के जॉब को आप प्रोफेशनलाइज कर सकते हो. तो सोशल वर्क तो ऑफकोर्स इट हैज गॉट मेनी थिंग्स इन इट. तो फिर धीरे धीरे देखा गया एंड व्हाट आर द इनपुट ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन क्या इनपुट डाला गया. तो कई सारे इस मतलब केस स्टडीज हो गई वर्किंग मेथोडोलॉजी हो गया कई सारे टर्मिनोलॉजीज हो गए जार्गन्स हो गए एंड 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 फोकल रिसर्च मतलब लोकलाइज्ड रिसर्च विथ रिस्पेक्ट टू द कम्युनिटी विथ रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी उसके बेस पे क्या चेंज होना चाहिए. लॉट मेनी थिंग्स हैज बीन पुट हियर टू मेक इट प्रोफेशनल. और उसके बाद नाउ इट बिकम सो रिच इन इट्सेल्फ कि मतलब यूनिवर्सिटीज को इसको ब्रेक भी करना पड़ गया. तो नाउ इफ यू सी इन टिस मुंबई तो सोशल वर्क के भी आठ स्ट्रीम है ना बिकॉज एवरी डिफरेंट स्ट्रीम हैज गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायर्ड स्किल सेट्स. तो ये प्रोफेशनल सोशल साइंस का ग्रोथ है एक तरह से. नाउ यू सी डेवलपमेंट स्टडीज और पब्लिक पॉलिसी इवन डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज रेगुलेटरी लेबर एंड सोशल प्रोटेक्शन जो भी आप कोर्सेज का नाम सुनते हो इन टेस्ट और आउटसाइड टेस्ट फ्रॉम अदर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऑल्सो. सो दे हैव ट्राइड टू मेक इट दैट प्रोफेशनल कि अगर आप वो ट्रेंड होते हो तो आपके कंपैरिजन में एनी अदर ग्रेजुएट कैन नॉट स्टैंड एंड से कि हम इतना जानते हैं या इतना कर सकते हैं. देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू और ओनली दोज हु आर प्रोफेशनली ट्रेंड कैन डू. तो ये इवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क है ना which has got many application in society. मतलब of course हमारी society की अभी भी 2/3 जो community है they are living under BPL or near BPL. Only 10% or say you can say just 5-10% people are living मतलब mainstream. अगर ऐसा तो नहीं है government data ये suggest नहीं कर सकती करती but you know कि जैसे और ये भी नहीं है कि social work की जरूरत सिर्फ गरीबों के लिए या मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए ही है. यू मस्ट हैव सीन कि जैसे अगर आप देखते हो सोसाइटी के केसेस देखते हो तो ऐसा तो नहीं है कि केवल पुअर कम्युनिटी के लोग सोसाइटी करते हैं रिच एंड सक्सेसफुल पीपल आर आल्सो डूइंग सोसाइटी. एंड यू मस्ट हैव सीन कि जैसे जो वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है या चाइल्ड अब्यूज की प्रॉब्लम है या डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम है या वुमेन सेफ्टी की प्रॉब्लम है देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर नॉट
स्पेसिफाइड टू दो सोसाइटी जो मार्जिन पे है ऐसा नहीं है. इवन इवन द हाइली डेवलप्ड सोसाइटी हैज गॉट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो ऐसा नहीं है कि सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन का यूज करनी इज इन रूरल सेटअप और पुअर सेटअप. हर तरह के सोसाइटी में हर तरह के सेक्शन में यू विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट नीड ऑफ सोशल वर्कर्स देयर. तो ऐसा नहीं है कि सोशल वर्कर का मतलब होता है गरीबों के लिए. सी सो दिस इज वन पॉइंट दैट आई वांटेड टू ये मेक हियर. तो दो आउटपुट मतलब दो टेक अवे है प्री लेक्चर से कि एक तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है. सो यू मस्ट थिंक योर सेल्फ एज अ प्रोफेशनल आफ्टर डूइंग दिस कोर्स. तो आप जब इंटरव्यू में जाते हो या फिर जब किसी से बात करते हो तो यू आर नॉट गोइंग टू डू जस्ट एज अ पीजी कोर्स जो आपको हो सकता है जॉब दे हो सकता है जॉब ना दे. ऐसे वाला आपको आउटलुक नहीं लेके चलना है. आप ऐसे लेके चलो कि यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. अब जो जो कोर्स आपने अप्लाई किया है हम लोग ग्रेजुअली उस पर विल टॉक एंड विल डिस्कस कि वट आर द प्रोफेशनल कंटेंट ऑफ दोज कोर्सेज आर, है ना. And similarly, and we will be telling what advantage that you get in term of ki those competitive advantage from other people who are not from the same study or same research area. ठीक है. तो एक तो ये हो गया professional. दूसरा ये कि social work is not just for poor community, and it is for everyone. It is for everyone. You will find even the richest section of society you can find some kind of social problem or some kind of problem where social worker or professionally trained इंटरवेनर आर नीडेड. ठीक है. अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कि जैसे लेट्स से कि आफ्टर डूइंग सोशल वर्क कोर्स यू आर गुड एट कम्युनिटी बिल्डिंग और यू कैन कनेक्ट पीपल विथ मोर यू कैन कनेक्ट मोर विथ द पीपल. तो अभी आजकल तुम देखोगे कि डिजिटल एडिक्शन बहुत ज़्यादा है एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों में ये डिजिटल एडिक्शन ज़्यादा है. So there will be a pool needing, मतलब we will be needing pool of people who are who will be able, मतलब who can be able to work for digital intoxication. अब ऐसा नहीं है कि वो गरीबों में ही जाएंगे, ना. Even the rich class will need that service. तो आप उसको paid service की तरह भी use कर सकते हो और अपने skills को वहाँ पे use कर सकते हो. So we'll be talking all these things also again in social entrepreneurship और दूसरे दूसरे courses में. बट अब लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन. इसमें दो आपका आउटपुट तो हमने पहले बता दिया कि पहला कि ये कि आपका जो कोर्स है या आपका जो फ्यूचर एस्पिरेशन है टू बी इनटू डेवलपमेंट सेक्टर और सोशल सेक्टर दैट इज अ प्रोफेशनल कोर्स, है ना. एंड देर इज देर आर एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन इन दैट. ठीक है. और क्या होता है ये भी समझाया आपको. द सेकेंड टेक अवे इज It is not just for poor people. तो ऐसा आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है और दुखी अपने आप को दुखी दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप गरीबों का दुख देख के ही इस कोर्स में चले आए हो. ठीक है. So you understand the need and you want to be professional. So this is the first and foremost requirement, मतलब need and requirement for you to be here. ठीक है. तो हालांकि मैंने इस पूरे लेक्चर को थोड़ा सा टर्न अराउंड करने की कोशिश की है कि ठीक है सोशल वर्क अब तक एज ए प्रोफेशन डेवलप हो रहा था. नाउ लॉट मेनी पीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्री है आर पुटिंग मनी इनटू पीपल्स ग्रोथ, है ना, टू फॉर इक्वलिटी और जस्टिस. तो इसमें ऑलरेडी ग्रोथ हो रहा था बट दिस कोविड सिचुएशन हैज पुट होल्ड ऑन एवरीथिंग लाइक इंडस्ट्री, है ना. सोशल वर्क में भी सोशल वर्क डेवलपमेंट सेक्टर पे भी एक slowdown aaya hua hai. So we'll be talking about slowdown as entire economy ka slowdown as well as the slowdown in social sector also and what could be our role and what could we can think of our future goals for our education output or hamare jo bhi aapki profile create hogi ya jo aapka profession create hoga usse hum kya expect kar sakte hain. And since these days we are always talking about unemployment and everything, so there's a part of this discussion or lecture will be also for livelihood generation or livelihood solutions. ठीक है. So मतलब अगर देखा जाए तो अगर last time जो हम आपसे बात कर रहे थे कि Pareto principle, so there are two things which is utmost or very much needed these days. एक तो livelihood पे काम करना, दूसरा educational awareness पे काम करना. So if you can work for these two, तो आपको
of course health is one of the again most important thing here, but awareness pe aur education pe kaam karoge to health ko bhi kahi tarah se wo support karega. So these two things are very important here. So abhi hum filhal bahut small mein we're talking about livelihood solutions, and this particular topic will also be covered for livelihood and social entrepreneurship classes. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट लिटिल अबाउट रिसेशन. रिसेशन क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है? कैन एनीबॉडी से कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिसेशन? आशुतोष, तुम नए स्टूडेंट हो, तुम बताओ व्हाट इज रिसेशन? यस सर. सर मंदी हिंदी में बोले तो मंदी और एंड स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी. और सर और कुछ ऐसा बताओ जो मतलब हम लोग नॉर्मली वो ना कर पाए, डिवाइस ना कर पाए बाय सेइंग द वर्ड. इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी ऑफ इनकम. और ठीक है, सब सही बोल रहे हो उसमें. मतलब मैं आई एम नॉट मतलब सेइंग कि यू आर सेइंग इट रॉन्ग. आई एम जस्ट आस्किंग कि ज्यादा से ज्यादा टर्म्स में, ज्यादा से ज्यादा एस्पेक्ट्स में आप लोग रिसेशन को देख सको. और कुछ बताओ सर, अगर इकोनॉमी श्रिंक कर जाए. श्रिंक इन व्हाट सेंस? मतलब घट जाए पहले से कितना पैसा है. पैसा कैसे घट सकता है? डिक्रीज इन द जीडीपी. डिक्रीज इन जीडीपी. और अभी हमें अंकित वाला समझने दो. अंकित, श्रिंक से क्या मतलब? सर वही डिक्रीज इन जीडीपी बोल रहे थे. अच्छा, मतलब कि प्रोडक्शन कम हो जा रहा है. सर डिमांड में कमी आ जाए. डिमांड में कमी आ जाए. और सर अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब डिमांड में कमी आना इज लाइक किसी के यहाँ से बंद करो उसको. डिमांड में कमी आना मतलब कि डिस्पोजेबल इनकम की कमी हो जाना फॉर मेनी पीपल. और वो रीजन हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो मास स्केल पे डेवलप हुआ है. तो वो एक पूरा पूरा मतलब पॉपुलेशन को, लार्जर पॉपुलेशन को कवर करता हुआ वो है. और बताओ कुछ. ईसा, अस्मिता, कुछ भी बोलो. व्हाट डू यू, हाउ डू यू सी रिसेशन? मतलब तुम लोग के लाइफ में दो रिसेशन आ चुके. एक 2008 के टाइम में आया होगा वेयर यू माइट बी यंग एनफ टू, मतलब टू यंग टू understand the impact of a recession. और एक अभी आपका 2020 के बाद start हुआ. So how do you see recession? How do you feel recession? बताओ जल्दी. Sir, unemployment. Unemployment. तो ये तुमने क्या directly कभी feel किया किसी, मतलब unemployment कैसे है, क्या है? Do you have any data or anything that can claim कि हाँ unemployment है? सर ऐसे डेटा याद तो नहीं है. वो डेटा याद नहीं है, बट हैव यू सीन एनीथिंग, पीपल गोइंग पैनिक ओवर एनीथिंग और कुछ ऐसा? सर जब 2008 वाला हुआ था तब पढ़ा था कि कई सारे लोगों के जॉब्स चले गए हैं, फर्म्स ने उनको मास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है क्योंकि हटा दिया गया है जॉब्स एंड ऑल. से सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी अभी रिपोर्ट निकाला था कि काफी मतलब कोविड-19 रिसेशन की वजह से काफी सारे डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप हुआ है. इसमें इंडिया का काफी सारा डेटा निकाला था. प्लस जैसे माय क्वेश्चन वाज दी हाउ डिड यू सी द रिसेशन, मतलब तुमने कैसे फील किया एंड हाउ डिड यू, मतलब इफ आई विल से कि मतलब मोस्ट इंपोर्टेंटली हाउ डू यू सी रिसेशन? और लोअर मिडिल क्लास और पॉवर्टी लाइन वाले सेक्शन में उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स पे काफी इफेक्ट आया है. प्लस उनका जो वल्नरेबिलिटी था पहले ही कोविड-19 के पहले भी, वो भी अब इंक्रीज हो गया है. एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ वर्ल्ड, पूरा का पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुक गया है. तो
तो रिसेशन एक मल्टी डायमेंशनल फील्ड में हुआ है कोविड 19 का, जिसमें हर हर जगह की प्रोग्रेस रुक गई है पूरी। तो मतलब माय पॉइंट वाज कि ठीक है, वो मल्टी डायमेंशनल को ही हम चाह रहे थे कि सब लोगों के पर्सपेक्टिव से उसको एक्सप्लोर किया जाए। सो आई एम जस्ट लुकिंग फ्यू मोर टर्म्स इन कि सर कैश फ्लो कम हो जाता है कि रिक्शा पुलर इज सेलिंग वेजिटेबल, है ना, ये जैसे माइग्रेटेड लेबर्स जो थे, है ना, जो माइग्रेटेड लेबर्स थे जो शहरों से लौट के वापस गए गांव में, सो दे आर डूइंग वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स देयर, है ना, सो दैट देयर इनकम लेवल इज वेरी लो। अभी अभी रिसेंटली अगर तुमने अपने गांव को विजिट किया होगा तो तुमने देखा होगा कि देयर आर लॉट मेनी मिडिल एज मेल और फैमिलीज जो कि वहां पे आ गई हैं, एंड दे आर सर्वाइव स्ट्रगलिंग अ लॉट विद डे टू डे नीड्स बिकॉज़ देयर इनकम लेवल हैज बीन मतलब ऐसे भी जीरो हो ही गया, और एनीथिंग दैट दे आर एबल टू क्रिएट इन देयर सोसाइटी इज वेरी लो। और कुछ बताओ सर, बैंक्स हेजिटेट टू गिव लोन्स, लाइक वो लोन्स उतना नहीं देते हैं, बट अभी ये रिसेशन का थोड़ा फीचर अलग है, मतलब आफ्टर दिस रिसेशन अभी के टाइम में बैंक्स आर रेडली गिविंग लोन्स, दे हैव ब्रॉट डाउन द द क्या बोलते हैं उससे स्टैंडर्ड जो जिनको लोन देना है वो भी बहुत कम कर दिया उन्होंने, एंड यू मस्ट हैव एवरीवन मस्ट हैव गेटिंग लॉट्स ऑफ कॉल्स अबाउट टेक सम लोन और ट्रांसफर सम लोन, और इवन आपकी गाड़ी है तो आप 150% उससे ज्यादा लोन ले लो। तो इस रिसेशन के फीचर में वो नहीं है कि बैंक्स लोन नहीं दे रही है। और कुछ सर, पेट्रोल प्राइसेस हो चुके हैं बहुत ज्यादा। पेट्रोल प्राइसेस हाई हो चुके हैं, ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू रिड्यूस द टैक्सेस, और इनफैक्ट उन्होंने थोड़ा बढ़ा ही दिया, और इसका रीजन क्या है? बिकॉज गवर्नमेंट डजंट हैव मनी टू स्पेंड ओवर वेलफेयर स्कीम्स और एनी गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स, तो उनको मजबूरी में डिस्पाइट पॉलिटिकल उनका एम्बिशन उस पर वो हो रहा होगा, बट डिस्पाइट दैट दे आर नॉट रेडी टू रिड्यूस द टैक्सेस बिकॉज the entire government expenditure need to be done. और बताओ, ठीक है? Supply side पे breakage होता है, supply नहीं हो पाती है। Factory चलाना बंद हो जाता है क्योंकि capital accumulation नहीं कर पाते हैं लोग। So foreign investments में भी कमी आती है। Foreign investment में भी कमी आई है, और ऐसा भी हुआ है, I'll tell you वो कि जैसे पहले कई एक सप्लाई चेन होता है, जैसे कोई भी बिजनेस एक सप्लाई चेन होता है जिसमें सप्लायर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। सो मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में किसी कंट्री में लॉकडाउन था एंड रेस्ट अदर कंट्री में नहीं था, अगर ग्लोबल सप्लाई चेन है तो, जैसे मान लो कि किसी जगह पे वो सप्लाई साइड से वो ब्लॉक हो गया सप्लाई, तो जो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर और कस्टमर थे, दे वर रेडी टू यूज एंड बाई एंड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, बट सप्लाई वॉज नॉट देयर and the amount of time for that it was blocked wo itna zyada tha ki manufacturer ko finally wo business band karna pad gaya. So now when the lockdown was over and now the supplier is ready to supply but manufacturer is not there to use that raw material for to create finished good. So aise bhi matlab ye one of the example hai ki how businesses has ruined ki jaise maan lo ki ek iska ek bahut simple example deta hu main jo maine cp pe realize kiya hai Connaught Place में, कि lot many people businesses who were running over these infrastructure जो CP में, तो उनको उनके customers after lockdown या after मतलब जो entire lockdown का period था, and they knew कि their customers will be there after lockdown, and they knew कि all the supply chain part can be saved, but the infrastructure cost was too high to मतलब keep it sustainable for this period of lockdown or recession, तो इसकी वजह से एक केवल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हाई होने की वजह से भी वो पूरा सप्लाई चेन ब्रेक हो गया, है ना, दे आर नॉट एबल टू सर्व देयर कस्टमर एनीमोर बिकॉज दे हैव टू लूज द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजों में भी चीजों के कारण भी आपने देखा होगा या देखते होंगे कि जो इकोनॉमी का जो चेन है, वैल्यू चेन है, हैज बीन स्पॉइल्ड। सर आर यू एबल टू हियर मी? हेलो, हां हां सुन रहा हूं मैं, बताओ। Sir, can we say like a recession happened at the time of demonetization as well? At that time, slowdown was of course there, but not exactly the complete recession was there, you know. And that was not for in matlab the entire economy. Matlab demonetization did not affect the entire economy.
मोस्टली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं रनिंग ऑन कैश है ना उनपे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा. तो ऑफकोर्स द पॉपुलेशन दैट इट कवर्ड इन टर्म ऑफ वो हाई था बट दैट वॉज काइंड ऑफ स्लो डाउन नॉट द रिसेशन. मतलब उस तरीके से हम इसको नहीं फेल कर सकते. सर जो टीपी का एग्जांपल दिया ना वो मुझे समझ में नहीं आया ठीक से, क्योंकि जैसे कि मतलब वहां पे जैसे स्केचर्स का कोई शोरूम है तो मतलब आप जो बोल रहे हो कि जिस टाइम पे मतलब वो लॉकडाउन चला उस टाइम का वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट है वो रिकवर नहीं कर पाएंगे उसके बाद क्या बंद कर दिया. तो बंद कर दिया ऐसे तो एक एक बिजनेस अगर बंद होता है तो लॉट मेनी पीपल हु आर एम्प्लॉयड विद दैट और जो जो मोबिलिटी थी मॉनेटरी मोबिलिटी थी जो उस बिजनेस के कारण बन रही थी वो तो ब्लॉक हो गया ना. हाँ तो वो समझ रहे हैं लेकिन ये मुझे समझ में नहीं है कि रिस्टार्ट नहीं होता है क्या कि मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि अगर अभी 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 रिसेंटली तुम अगर सीपी किसी ने लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद सीपी घुमा दे कैन लिटरली सी ऑलमोस्ट 30% शॉप्स हैज बीन क्लोज्ड. कई सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए कई सारे शोरूम्स बंद हो गए कई सारे डिफरेंट ऑफिसेस जो थे वो बंद हो गए. तो जो वो इकोनॉमी जनरेट कर रहे थे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे थे और इकोनॉमी जस्ट वही बाइंग सेलिंग नहीं होता. अगर एक प्रोडक्ट बिकता है तो उसकी पूरी बैकएंड की जितनी भी सप्लाई चेन के वो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे ऑल आर गेटिंग मतलब बेनिफिटेड विद दैट ट्रांजैक्शन. तो वो सब बंद होता है. तो तुमने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस के स्केल इसलिए कम हो गए because they could not cope up with the infrastructural cost, है ना? तो ये जो था हाँ मतलब ये कोई economic disaster नहीं था but lockdown की वजह से infrastructure के cost को नहीं निकाल पाने का ये था. तो ऐसे similar कई सारे smaller components थे which became bigger in due time just because of कि वो recover नहीं हो पाया. तो इस तरह से recession का जो impact है society पे बहुत है. GDP बहुत ज्यादा वो होगा गिरा भी है लास्ट ईयर और अभी जो IMF का प्रेडिक्शन आल्सो ये है कि आने वाला ईयर में 2021-22 में इट विल बी बेटर बट अगेन मतलब दे हैव आल्सो सेड कि मतलब इट कुड बी एनीथिंग. मतलब नोबडी नोज कि जो कोरोना है या फिर दूसरे पैरामीटर्स जो हैं दे विल वर्क नॉर्मली और नॉट है ना. सर रिसेशन तो टेक्निकली तब कहते हैं ना जब जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ में हो. मतलब ऐसा नहीं है कि रिसेशन का ये डेफिनेशन है कि जीडीपी नेगेटिवली ग्रोथ में हो तभी हम रिसेशन बोलेंगे बट हाँ दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया. ठीक है सर, जब जब वो कलेक्टिवली बहुत सारी इंडस्ट्री लॉस में जाने लगती है तो ऑफकोर्स वो जीडीपी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही. सो इट्स ऑल अबाउट सेटिंग डाउन द इकोनॉमी है ना. तो रिसेशन इज लाइक रुक ही गया टाइप से है ना. So, समझो कि एक तरह से रेडिकल स्लोडाउन को हम रिसेशन बोलेंगे. एंड जब भी जब वो भी तब जब इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ इकोनॉमी इज गेटिंग हैम्पर्ड. तो ये कोविड 19 का जो रिसेशन था इट वाज नॉट मतलब कंट्री स्पेसिफिक और इंडस्ट्री स्पेसिफिक. ये ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर और एवरी कंट्री हैज बीन अफेक्टेड बाय इट. हाँ किसी किसी कंट्री की जो बफर लिमिट होती है जो सस्टेनेबिलिटी फैक्टर उनका होता है वो ज्यादा होता है तो वहां पे कम असर पड़ा और जिस कंट्री पे ऐसा कम था वहाँ ज्यादा असर पड़ा. तो अब पॉइंट ये आता है कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस रिसेशन. तो तुम लोग बहुत सारी बात तो कर ही दिए यहाँ पे. रिसेशन जो है आपकी पॉवर्टी बढ़ाएगा. मतलब पॉवर्टी इंक्रीज पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि जो आपके बीपीएल के अंदर के लोग हैं वो बढ़ जाएंगे. जो अभी किसी ने बताया प्रियांशु ने सर बताया कि वल्नरेबिलिटी ऐसे भी थी इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर बहुत सारे लोगों के लिए जो ज्यादा वल्नरेबल थे दे लॉस्ट देयर जॉब्स एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी. तो वो पॉवर्टी वाले जोन में चले गए. एंड ऑफ कोर्स वी लॉस्ट मेनी जॉब नॉट ओनली जॉब बट लाइवलीहुड आल्सो. हम थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस करेंगे कि जॉब और लाइवलीहुड में थोड़ा फर्क हो सकता है अगर आप देखने की कोशिश करो तो. ऑलमोस्ट लाइवलीहुड का ग्रोथ ही जॉब बनता है कई बार बट अगेन वी विल डिस्कस ओवर दिस आल्सो. डिस्ट्रेस और डिप्रेशन इज आल्सो वन ऑफ द मेजर आउटकम ऑफ दिस रिसेशन. ग्रीफ एंड सोशल ग्रीफ. ग्रीफ कहने मतलब कि अगर आप बीमार पड़ते हो या आपके फैमिली से किसी की डेथ होती है या फिर आपके उसमें तो वो या फिर बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं इलाज में तो कई सारे ग्रीफ आपके पर्सनली और विद इन अ फैमिली डेवलप हो सकती है. एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड सोशल ग्रीफ आल्सो व्हिच आई वाज एक्सपेक्टिंग लास्ट ईयर कि इट विल बी वेरी मच इन इंडिया बट ऐसा रहा नहीं. लकली वी वेयर मोर
इम्यून टू दिस पर्टिकुलर डिजीज, तो हमारा जो रिकवरी रेट रहा और जो हमारे जो भी रीजन से हमारी इम्यूनिटी वेर नॉट दैट बैड, तो वो सोशल ग्रीफ वाला फैक्टर नहीं रहा, बट स्टिल इट इज देयर इन इन मेनी कम्युनिटी और मेनी सोसाइटी. अनएम्प्लॉयमेंट ऑफकोर्स ये जॉब लॉस इज अनएम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड लॉस तो है ही. इन्फ्लेशन, समबडी टोल्ड मी इन्फ्लेशन ऑल्सो, लोन्स एंड क्रेडिट प्रेशर, जिसके पास पहले से लोन लिया हुआ था एंड दे आर लूजिंग देयर रिकरिंग इनकम, तो उनके पास भी क्रेडिट प्रेशर ये था. वायलेंस तुमने कम ही पढ़ा होगा न्यूज में, बट इट वॉज देयर. पीपल वेर गेटिंग लूटेड और लॉकडाउन के टाइम में और उसके बाद में भी जो इस तरह की घटनाएं हैं, चोरी की और मारपीट करके पैसे छीनने की, ये सब भी बढ़ी है. एंड एक सर NFHS का रिपोर्ट आया था ना कि वायलेंस का राइज काफी देखा गया है, मतलब इससे पहले वायलेंस को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता था, मतलब वो चाहे डोमेस्टिक हो या सेक्सुअल हो या फिर सोसाइटल हो, बट इस बार देखा गया तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में अराउंड 29-30% का इंक्रीमेंट ही था. कि हर इसमें एक और टर्म हम लाना चाहेंगे, इकोनॉमिक वायलेंस भी बहुत बढ़ा है. इकोनॉमिक वायलेंस ऐसा कोई मेरा मतलब ऐसा कोई कॉइंड टर्म नहीं है, वो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ जिसको तुम लोग समझ सकते हो. देखो मेरा पॉइंट यहाँ पे होता है कि आपके पास डेटा या रिपोर्ट्स तो आप है ही, मतलब यू कैन हैव एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स वेयर इट कैन गेट डेटा, बट एक अंडरस्टैंडिंग के परस्पेक्टिव से हम पढ़ाना चाहते हैं तुम्हें, सो दैट यू कैन यूटिलाइज द सेम डेटा टू ब्रिंग योर ओपिनियन. तो इकोनॉमिक वायलेंस मैंने एक ऐसा टर्म बता रहा हूँ मैं, जो वेयर वी चीट समबडी और फोर्सली मेक हिम टू ट्रांजैक्ट फॉर इन फेवर ऑफ oneself, है ना. तो ऐसे सब केसेस को भी इकोनॉमिक वायलेंस बोला सकता है, और ये भी आजकल बहुत हो रहा है. तुम देखिए, मतलब ऐसा कई बार आया कि इफ समबडी इज गोइंग टू बाई समथिंग और इंक्वायरिंग समथिंग, तो उसको कहीं ना कहीं से प्रेशराइज किया जा रहा है. इवन बैंक्स और अदर पीपल आर ऑल्सो प्रेशराइजिंग टू डू समथिंग, है ना, जो कि अनइथिकल है. मतलब लाइक सी समबडी ऑफ माई नोन इज गेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स फ्रॉम IDFC बैंक टू टेक अ क्रेडिट ऑफ मतलब लोन लेने के लिए, 85,000 का लोन लेने के लिए. सो इट शुड नॉट बी देयर, बट एक तरह से ये वायलेंस ही है कि आप ट्रांजेक्शन के लिए प्रेशराइज कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी बढ़ रहा है. सर सोशल ग्रीफ एक बार बता दो क्या है. मतलब ऐसा कुछ देखो, मतलब जो सोशल साइंस के टर्म्स होते हैं ना, वो बेसिकली फीलिंग वाले भी होते हैं कई बार. सो देयर इज नो परफेक्ट डेफिनेशन फॉर सोशल ग्रीफ, लेकिन ये है कि जैसे अगर जैसे ऐसे समझो कि फॉर पर्टिकुलर डिजीज नहीं लॉस, इफ द इंटायर सोसाइटी इज अंडर वो, मतलब इट गोज वायरल विद इन द सोसाइटी, व्हेन ग्रीफ गोज वायरल इन द सोसाइटी, मतलब हो सकता है कि आप पे डायरेक्ट इसका असर नहीं है, बट स्टिल यू आर इन ग्रीफ. तो फिर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में भी हो सकता है ना, जैसे कि वुमेन को ज्यादा सोशल ग्रीफ हो सकता है. हाँ ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम एनोनिमस नहीं ऐसे करके यूनिफॉर्म, मतलब पूरी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं. जैसे होता है ना कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, ठीक है, सो एवरीबॉडी वाज मतलब वाज इन ग्रीफ एट दैट टाइम, एंड इट गोज वायरल. मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे उतना ही, लेकिन since everybody was talking about it, media report, सब चीज यही बात कर रही थी, तो जिस पे इतना असर नहीं भी पड़ना था वो भी ग्रीफ में था, है ना. I'm not saying कि आप में empathy नहीं होता होगा या ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ, but it was more than what one can be in that grief, है ना. तो वो इस तरह की बात कर रहा हूँ मैं कि जो इकोनॉमी का स्लो डाउन है या फिर डिस्ट्रेस है या फिर कोरोना की वजह से बीमारी या डेथ वगैरह जो हो रही है, इसका एक इम्पैक्ट पड़ा है ना, जो कि कम रहा है इंडिया में. मतलब इट आई वाज एक्सपेक्टिंग इट कि ये बहुत ज्यादा होगा, बट समहाउ वी वर एबल टू गो आउट ऑफ इट, है ना. तो मुझे तो लगता है ये ताली बजाना ये सब कुछ था इसके, ऑल्दो इट वाज जस्ट अ जोक, ठीक है. तो अब नाउ इट कम्स टू अस कि ये सब तो है, बट अच्छा, अभी आई एम ऑल्सो टेकिंग दिस लेक्चर एज एन कि लेट सपोज दैट यू आर इन दैट डेवलपमेंट सेक्टर और सोशल सेक्टर, तो आपके पास क्या गोल्स हो सकते हैं, या समबडी हु इज इन दैट एरिया. जब आप कॉलेज में जाओगे ना, द मोमेंट यू एंटर्ड इनटू द कॉलेज कैंपस, सो यू विल बी दैट प्रोफेशनल. ऐसा नहीं है कि अभी एक ही दिन तो हुए हैं, मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता. सो यू हैव टू थिंक लाइक द वन, है ना. जैसे तुम अगर कभी मेडिकल कॉलेज में गए या इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो पहले दिन से ही यू आर लाइक यू आर एन इंजीनियर और यू आर एन डॉक्टर,
Similarly, when you'll go in the in this particular course or college में जाओगे तो from day one से you are that professional who works for social sector, and then gradually you'll increase your skills and capabilities to perform well, but you are that. तो अगर आप social sector के इंसान हो, उस professional हो, तो what could be your goals, है ना? तो आपको आपको जैसे कोई भी problem है तो हर आदमी अपने स्किल्स के हिसाब से उसको सॉल्व करना चाहता है. तो ऑफ कोर्स जो सोशल और इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इसका सोशल वर्क के थ्रू या सोशल सेक्टर के थ्रू क्या सलूशन हो सकता है, दिस शुड बी योर गोल, दिस शुड बी योर कंसर्न. कि जो स्किल्स आपके पास है, जो मतलब नॉट ओनली है, जो होगा, है ना, जो आपके कॉलेज जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, पॉलिसीज के कोर्सेज हैं, डेवलपमेंट स्टडीज के कोर्सेज हैं, सोशल वर्क के, तो यूजिंग दोज स्किल्स, यूजिंग दोज नॉलेज, हाउ यू कैन क्रिएट सॉल्यूशंस फॉर ऑल दिस क्राइसिस, है ना. ये आपका अभी ब्रॉडर गोल्स के तौर पे ही हम बता रहे हैं. दूसरा ये कि सिंस मतलब ये पूरा एक दो साल का ये इशू रहा, बट इट विल इंपैक्ट द एंटायर जनरेशन आउट ऑफ इट. तुमने देखा होगा कि द पीपल हु आर एट वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ देयर कैरियर, है ना, दे आर नॉट गोइंग टू कॉलेज. ओनली फ्यू कॉलेजेस हैज मेंटेन्ड और कैन कुड कम अप विद द इंटरनेट बेस्ड टीचिंग और आईटी बेस्ड टीचिंग, बट नॉट एवरी कॉलेज did come up with the entire, मतलब वो transform नहीं कर पाए अपने offline classes को और procedures को online. So that means कि मतलब जो ऐसा तो नहीं है ना कि वो दो साल पहले भी फालतू होता था तो अब नहीं भी गया तो क्या फर्क पड़ा. तो ये दो साल का course अगर MBA कर रहे हैं या बच्चे या फिर PG कर रहे हैं या फिर any science oriented, technology oriented course कर रहे हैं and they could not do it. And ये तो चलो ठीक है, ये professional education की बात है. एक पूरा जो वो है जैसे लेबर्स हैं, लेबर्स की कम्युनिटी एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जा रही है, तो ये जो चेंज है, जो उनके रेगुलर लाइफ का ग्रोथ का जो वो था स्टेयरकेस था, जो स्टेपिंग स्टोन था, वो डिस्टर्ब्ड हो गया. सो नाउ दैट रिवर्स इज नॉट वेरी इजीली पॉसिबल. ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से हो जाएगा. एंड द एंटायर जनरेशन विल बी एंड द लूजर साइड. तो वो आपको एक पूरा इस टर्म में सोचना है कि वी नीड टू रेस्क्यू द एंटायर जनरेशन आउट ऑफ इट. ठीक है. And again, and since we have seen that ki these on all these movements, those were badly affected jinke liye policies nahi thi ya jo policy unke against thi. So now as a social worker, we are not just supposed to do something only. We are also supposed to stand against many of the things that is going on in society or from the government. Jiske against hume khada hona chahiye, bolna chahiye, and we need to talk about it. तो ये भी एक काम है, हमारा गोल है टू टॉक और टू स्पीक और टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट द पॉलिसीज, और नॉट ओनली अगेंस्ट, यू शुड रेज इन फेवर ऑफ व्हाट पॉलिसी नीड्स टू बी देयर इन एंड फॉर वल्नरेबल सोसाइटी. तो अब ये बात आती है कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स दैट यू हैव, है ना, that मतलब which I can say कि you could be one of the most key persons or key professionals in the world who can bring the change in, मतलब जो rescuer आप कैसे बन सकते हो, how you can be the savior of the entire situation of grief or entire situation of recession. तो since मतलब आप अगर इसको ना भी पढ़ा जाए तो you can just devise your strength. You will be the person who knows economy at very grassroots level, है ना, उस लेवल पे जानते हो आप कनेक्ट ज्यादा हो जाते हो लोगों से. इट्स नॉट आप, मतलब इट्स हु हैव ऑलरेडी डन द सोशल वर्क और हु आर गोइंग टू डू इट, है ना. आप माइन्यूट डिटेल्स रखते हो सब लोकल लेवल पे, एंड सिंस द बिग व्हेन बिगर इकोनॉमी फेल्स पीपल रियलाइजेस द एडवांटेज और ब्लेसिंग्स ऑफ स्मॉलर इकोनॉमी. द स्मॉलर इकोसिस्टम को आप क्रिएट कर सकते हो विद इन योर फोकल और लोकल एरिया. ठीक है, जैसे जो नहीं बी लोकल वो उसको और अगर छोटा किया जाए तो एकदम स्मॉलर इकोनॉमिक चेन, मतलब विद इन अ विलेज, विद इन अ डिस्ट्रिक्ट, कंप्लीट द इंटायर नीड एंड प्रोडक्शन का मैपिंग, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड गवर्नमेंट policies, तो आप उसके अगेंस्ट भी बात कर सकते हो. यू आर ऑल्सो वेल अवेयर टू टॉक अगेंस्ट द मीडिया विच इज नॉट वर्किंग फॉर द राइट ऑफ द पीपल, है ना. तो आपके बातों में भी वो वजन होगा. तो ऑल दीज थिंग्स विल मेक यू स्ट्रेंथफुल एनफ टू बी द की ऑफ नेक्स्ट एज रिवोल्यूशन.
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो नई वेज की रिवोल्यूशन है दिस इज नॉट बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी. लोग बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी विल बी द नेक्स्ट की एलिमेंट ऑफ चेंज, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ह्यूमन कैन ओनली बी द नेक्स्ट की ऑफ द चेंज, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिवोल्यूशनरी चेंज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इनइक्वालिटी बढ़ेगी ही, एंड एंड द बेसिक डेप्थ ऑफ द सोसाइटी जो नॉलेज डेप्थ है या फिर अंडरस्टैंडिंग का डेप्थ है दैट कैन ओनली बी फिल्ड विद द ह्यूमन इंटरेक्शन. तो वो आप उसके लिए पार्ट बन सकते हो. ठीक है, सो डोंट मिस द टेक्नोलॉजी हियर. यू आर द पावर, योर जेनरोसिटी, नॉट जेनरोसिटी, योर एबिलिटी टू कनेक्ट, योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, योर एबिलिटी टू फील, है ना, द पीपल अराउंड यू, और जो प्रोफेशनल इंसाइट है आपके पास एज अ सोशल वर्कर और डेवलपमेंट सेक्टर वर्कर, दैट कैन हेल्प द वर्ल्ड टू ग्रो बियॉन्ड दीज चैलेंजेस. बट अगेन एज अ सोशल वर्कर वट कुड बी योर चैलेंजेस, क्या हो सकता है? तो बेसिकली जो मैं स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बात कर रहा था कि सोशल सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी वेज की प्रॉब्लम है, या फिर लो सैलरी और फिर लो रिस्पेक्ट भी एक तरह से कह लो फॉर मेनी ऑफ द कंट्रीज और फॉर मेनी ऑफ द पीपल. ये सब कई सारे चैलेंजेस हैं विच यू फील एंड विच मेनी पीपल फील कि यहाँ पे ये होगा, इसलिए दे डोंट गो फॉर दिस सेक्टर. तो दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विथ अदर वर्क वेयर दे आर गेटिंग गुड मनी, बट दे विल नॉट गो टू द सोशल वर्क एरिया बिकॉज द इंटायर आउटकम ऑफ दैट प्रोफेशन इज मतलब यू फील समटाइम लो एंड समटाइम इट इज लो एक्चुअली. तो अभी रिसेंट कोविड टाइम में लाइक एवरीबॉडी वॉज लूजिंग जॉब, तो सोशल सेक्टर में भी ऐसा हुआ एंड द सैलरी कट एंड मेनी अदर अलाउंसेस कट वेयर देयर विद द सोशल वर्कर. तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको ऐसे फाइनेंशियल क्रंच से भी गुजरना पड़ सकता है. एंड 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 द थिंग इज कि मेनी ऑफ द बेनिफिट्स दैट अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय गेट और जो स्किल अपग्रेडेशन है या फिर नॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज दे गेट, यू विल नॉट बी गेटिंग दैट वन. बट इसके लिए आप एक जो चीज है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा विच यू कैन यूज इट टू हेल्प योर सेल्फ. हमारे जो भी एजुकेशनल मतलब प्रोफेशनल सोशल साइंस का जो एजुकेशन का वो है मतलब स्पेक्ट्रम है हमारे पास इवन इन टेस्ट, सो व्हाट वी मिस देयर इज सम बेसिक की स्किल्स दैट वी कैन आल्सो पुट इन द सेम कोर्स सो दैट यू कैन बी एम्प्लॉयबल इन अदर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रक्चर आल्सो. सो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स भी अगर आपके साथ में हो तो आपकी अपने काम की भी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी एंड यू विल बी आल्सो बी एबल टू चेंज योर लाइफ एनी टाइम एज पर योर नीड. जैसे देखोगे कि जैसे कोई 25 साल का बच्चा है तो वो अप टू 30 ही वॉन्ट्स टू बी द वन हु मेक चेंज एंड हु कैन क्रिएट चेंज, है ना. तो अगर आप यहाँ तक आप इसको प्रोफेशनली ट्रेंड करते हो फॉर सोशल वर्क और अदर डेवलपमेंट सेक्टर वर्क, है ना, और ये 5 साल वो कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी का, आफ्टर 30 ही बिकम्स कैपिटलिस्ट. आई एम जस्ट टेलिंग वन ऑफ द वे टू डील विद, है ना, कैपिटलिस्ट की तरह बिहेव करता भी है तो क्या प्रॉब्लम है, है ना, बिकॉज आफ्टर 30 ही माइट वॉन्ट टू हैव अ फैमिली एंड लिव अ कंफर्टेबल लाइफ. तो अगर 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 हम इस कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स को दें एंड कंपनी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड द वर्क ही हैज डन हियर, और ये करती है कंपनी, ऐसा नहीं है. मतलब आई विल शो यू द एग्जांपल. अगर आप फॉरवर्ड बिजनेस स्कूल में अप्लाई करते हो वेयर यू कैन ओनली अप्लाई अप टू 2 or 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका सोशल सेक्टर में जॉब एक्सपीरियंस है तो वो उसको बहुत वेटेज देते हैं, है ना. तो ठीक है, मतलब यू गेट ट्रेंड इन सोशल सेक्टर, यू डिड वर्क इन सोशल सेक्टर, बट यू हैव दैट कॉम्प्लीमेंट्री स्किल और उसको थोड़ा और होन अप करके या स्ट्रेंथ डाल के इफ यू कैन शिफ्ट इनटू कॉर्पोरेट, तो ये एक बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन फैक्टर हो जाएगा. तो इन दैट यूथ एज इन दैट प्रोडक्टिव एज लॉट्स ऑफ पीपल विल स्टार्ट कमिंग टू द फील्ड, है ना, और उस काम में. तो जो ग्रेजुएशन के बच्चे डरते हैं ये कौन करेगा सोशल वर्क, वो कम हो जाएगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स की मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है विच एवरी सोशल वर्क स्कूल और सोशल सेक्टर स्कूल शुड अंडरस्टैंड इट, कि पीपल शुड आल्सो गेट ट्रेंड और शुड आल्सो बी कैपेबल और एम्प्लॉयबल इनफ इन कॉर्पोरेट और प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रक्चर आल्सो. तो ये आखिर सजेशंस में भी हम बताएंगे, है ना. ऑल्दो दिस वाज द फर्स्ट सजेशन ऑफ माइन कि इसको थोड़ा और प्रोफेशनलाइज करने की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट और विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट मेकिंग फिलॉसफीज. तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सी यू आर गेटिंग ट्रेंड इन डीपीपी,
ठीक है, एंड देयर इज वन कंपोनेंट आल्सो व्हिच मेक्स यू एम्प्लॉयबल इन कॉर्पोरेट. तो अगर आप डीपीपी के बाद प्लेसमेंट लेके सोशल सेक्टर में काम करते हो इन वर्क फॉर 5 इयर्स एंड देन यू वांट टू शिफ्ट फॉर कॉर्पोरेट, तो आपको वो स्किल और प्लस ये 5 ईयर का वर्क एक्स कैन गिव यू एंड कैन गिव यू वेरी गुड जॉब देयर, है ना. तो ये एक जो डर है लोगों का और एक जो वो है डेवलप हो चुका है कि स्टेग्नेंसी आ जाएगी या फिर देयर विल बी अ बैरियर जो आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, तो उस बैरियर को ब्रेक करने की जरूरत है. ठीक है. सो दूसरी चीज क्या है कि हम लोग हमेशा इकोनॉमी को प्रोडक्ट के या सर्विस के परस्पेक्टिव से देखते हैं, है ना. एंड वो भी प्रोडक्ट और सर्विस क्या है जो हमारे बेसिक नीड्स को ही फुलफिल करते हैं. वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑल्सो. जैसे मान लो कि देर आर पीपल हु कैन अप्रिसिएट आर्ट्स एंड हु अप्रिसिएट आर्ट्स एंड इनफैक्ट वी कैन क्रिएट द आर्ट अप्रिसिएशन इम्प्रेशन इन आवर चिल्ड्रन ऑल्सो. जैसे अगर तुम देखो कि जो बच्चे बचपन से so when they will become the bread earner but when they become the employee of any organization and when they start earning, they will spending the sufficient amount of their money into arts by buying art or culture also. So ye jo commercialization hai isko commercialization to nahi bolna chahiye but we can plan or deepen our economy based on these also. To agar hum chote se hi chote bachcho ko ya सब लोगों को थोड़ा अवेयर करेंगे या वो टेस्ट देंगे आर्ट एंड कल्चर का एंड इट विल वर्क इन बोथ वेज मेनी सेंस, है ना. आर्ट और कल्चर का जो वो है सेंस है डेवलप होगा डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स का, तो एक तो पर्सनालिटी में डेप्थ आएगी, आपकी सोसाइटी विल बी मोर क्या बोले उसको अच्छी, मतलब टर्म तो मैं नहीं याद आ रहा बट इट विल लुक बेटर, है ना. वो सोशल एथिक्स जो होता है वो भी अपलिफ्ट होगा. एट द सेम टाइम people who are working in these areas they will start getting employment and ek ko milta hai to tumhe pata hi hai ki ek employment jo hai ek employment stream jo hai 5 naye employment stream ko bhi generate karta hai. So it's not about just ki dancers or singers ko aur fir cultural jo bhi artist hain ab jo bhi hain unko hi paisa milega, it will create a number of other type of employment avenues also. सिमिलरली लिटरेचर को भी अप्रिसिएट करना हमें सिखाना चाहिए. लोकल कुजींस जैसे अगर तुम देखोगे कि इवन द साउथ इंडियन हैज मतलब साउथ इंडियन सिटीज में या फिर हर जगह पे यू विल फाइंड पंजाबी ढाबा, है ना, बिकॉज द पंजाब की कुजीन हैज बीन मेड फेमस फॉर दैट कि उनका टेस्ट एक इस तरह का होता है एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो देयर. इनफैक्ट डोसा देखो साउथ इंडियन फूड है, तो इसी तरह से सब स्टेट्स के कई सारे ऐसे फूड हैं जो those food या cuisines could not be commercialized enough. तुमने अभी देखा होगा recent times से अगर तुम दिल्ली के आसपास रहते होगे तो एक चंपारण मीट हाउस बहुत सारा जगह पे खुला होता है. Have you seen somewhere? किसी ने देखा है? हाँ सर मैंने देखा. हाँ तो चंपारण मीट हाउस सोचो, चंपारण is a very small district मतलब पूर्वी चंपारण बिहार में. हाँ बिहार में. And this चंपारण मीट हाउस was there since ages मतलब 50 साल 60 साल पहले ये एक का cuisine है. And recent 10 years mein, this has become craze in entire nation, matlab not nation, North India mein to bahut jagah pe ab dikhne ko milta hai. So these kind of economic change jo hai na jo develop hota hai, to ye basically karta hai kya, dekho aisa nahi hai kuch bahut bada change aayega, but this will increase the monetary mobility. To mujhe maine pehle kabhi class liya to main bataya hoga ki economy ko strength dene ka ek bahut bada wo hai ki mobility badhai jaye और वो भी इफिशियंट ट्रांजेक्शन, मतलब जितना पैसा आप खर्च करते हो उतने पैसे की आपकी वैल्यू मिले और आप उसको देख के फिर और आप खर्च करो, तो जितना इकोनॉमी और मॉनेटरी मोबिलिटी बनेगी उतना इकोनॉमी बेटर परफॉर्म करेगी इन लॉन्ग रन में. तो ऐसे ऐसे अगर हम लोकल कुजींस को कैटलॉग कर सके, उसको ब्रांडिंग कर सके, गवर्नमेंट कैन सपोर्ट दोज कुजींस. तो जैसे मीट हाउस इज जस्ट वन थिंग दैट बिहार कैन ऑफर इवन 100 out of 100. इवन नॉट ओनली बिहार, देयर आर स्टेट्स लाइक बंगाल, असम, साउथ इंडिया के कई सारे स्टेट्स, है ना, मध्य प्रदेश, हर जगह पे लोकल कुजींस ऐसे हैं विच कैन बी कमर्शियलाइज्ड. और फिर वो होगा, फिर वो उसको हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे. मतलब यू मस्ट हैव नोन कि जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में इन टर्म ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट, इन नेम ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट, है ना.
तो अगर आप लोकल कुजिन्स को अगर आप उसको उस पर और ज़्यादा इनोवेट फिर करेंगे, अगर मोबिलिटी बढ़ेगी, अप्रिसिएशन बढ़ेगा तो लोग इनोवेट करेंगे एंड पैकेज वैकेज करके वो एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, जो मैंने बताया कि वी नीड टू क्रिएट एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, तो कई जगह पे ये यूज़ हो सकता है. सिमिलरली लिटरेचर, मतलब यू कैन से हंड्रेड ऑफ एग्जाम्पल्स बाई विच वी कैन जनरेट मोर एंड मोर, और ये मल्टीपल लेवल पे काम करेगा हमारे इंडिया के लिए, है ना, लोगों के एथिक्स को भी बढ़ाएगा और कई सारी चीजें हैं विच यू कैन चेंज सी द चेंज विथ इट. फिर ऑफ कोर्स हैंडीक्राफ्ट है, ये सब भी ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज आफ्टर कोविड आई एम नॉट, मतलब ये माई सजेशन भी ऐसे आए कि आई वॉज नॉट फोकसिंग ओवर द प्रोडक्ट विच वी कैन क्रिएट और सर्विसेज वी कैन क्रिएट और एंटरप्रेन्योर्स वी कैन क्रिएट. इट्स अबाउट इन व्हाट एरिया वी नीड टू वर्क मोर एंड मोर. ठीक है, तो लोकल आर्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है, तुम बोलोगे हैंडीक्राफ्ट पे तो बहुत काम होता है बट मोस्टली हैंडीक्राफ्ट पे जो इंडियन गवर्नमेंट काम करती है, लोग काम करते हैं, वो बेसिकली फिलान्थ्रोपिकल नेचर का होता है. एंड बेसिकली इन माई ओपिनियन फिलान्थ्रोपिकल नेचर से अगर आप कोई भी डेवलपमेंट वर्क करते हो उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती है. सो यू नीड टू क्रिएट अ सप्लाई चेन, यू नीड टू क्रिएट अ इकोनॉमिक वैल्यू चेन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिलान्थ्रोपी, है ना. अगर उसकी ऐसी सप्लाई चेन क्रिएट हो जाए, उसका मार्केट क्रिएट हो जाए, उसके प्रोडक्ट के फीचर्स ऐसे क्रिएट हो जाए सो दैट पीपल कैन हैप्पीली स्पेंड मनी ओवर दैट, तो अगर ऐसा हम कर पाए, ऐसा अगर हो पाए तो वो जो है सस्टेनेबल होगा एंड इट विल हैव पोटेंशियल टू ग्रो ऑल्सो, है ना, क्योंकि उसको लिमिट कोई नहीं कर रहा होगा. एंड पीपल कैन फाइंड, पीपल आर स्मार्ट, ऐसा नहीं है कि लोग गरीब हैं तो स्मार्ट नहीं है, पीपल आर स्मार्ट, पीपल आर इनोवेटिव. If you see, if they see a sustainable supply chain, they can innovate more and more over there. ठीक है, और इसी तरह से मतलब it's all about social और ये cultural और art heritage को commercialize करने की बात है. And also कि supply chain हमें ऐसा create करना चाहिए जो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ integrate कर दे, क्योंकि we are just spending lots of money in discrete effort of all these things. तो उसको अगर हम इंटीग्रेट कर पाएं, अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम और यहाँ टेक्नोलॉजी का हेल्प ले पाएं, है ना, सो इट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर ऑल द इंडस्ट्री. वो कॉस्ट सेविंग बहुत होगा और इस तरह से हेल्प करेगा. सो बेसिकली ये था कि व्हाट वी कैन थिंक ऑफ, मतलब वी एज एन सोशल सेक्टर प्रोफेशनल और सोशल सेक्टर एंथुजियास्ट, है ना, जो हम अपने लेवल पे भी कर सकते हैं और वी कैन आस्क गवर्नमेंट टू डू इट आल्सो. ठीक है, सो नेक्स्ट है कि व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, मतलब ऑफ कोर्स ऑल दीस थिंग्स दैट आई एम राइटिंग हियर फॉर गवर्नमेंट इज नॉट इन आवर कैपेबिलिटी टू डू इट. इसके लिए आपको पॉलिसी बनाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा, बिल बनाएगा, जो भी लाना पड़ेगा, बट अगेन वी कैन आस्क गवर्नमेंट टू डू इट, है ना. तो गवर्नमेंट कैन एक्सप्लोर न्यू इंडस्ट्रीज. ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स न्यू इंडस्ट्री एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है, परमिशन देना, लोगों को मोटिवेट करना, एससीजेड बनाना, है ना. कैन यू सजेस्ट एनी न्यू काइंड ऑफ इंडस्ट्री विच कैन क्रिएट सम एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक मोबिलिटी इन इंडिया? किसी के पास कोई आइडिया है, एनी इंडस्ट्री, नेम एनी इंडस्ट्री विच यू कैन सजेस्ट जो बिल्कुल नया है, विच जहाँ पे पोटेंशियल है टू एम्प्लॉय लॉट मेनी पीपल और जनरेट इकोनॉमी और मोबिलिटी? बोलो तो, कैन यू सजेस्ट एनीवन? अंकित, प्रियांशु, कुछ भी, आशुतोष, अच्छा नहीं बोलोगे तो चैट पे लिखोगे हम नहीं बोलेंगे. सर मुझे नहीं पता सही है कि गलत है. बोलो ना, सम गलत ही जानना सुनना चाहते हैं. मतलब बैम्बू इंडस्ट्री. बैम्बू इंडस्ट्री मतलब बैम्बू प्रोडक्ट की इंडस्ट्री. हाँ, मतलब अब जो सेप जो इंस्टीट्यूट है ना, वो लोग भी ऐसे सस्टेनेबल मतलब हाउसिंग पे काम कर रहे हैं, तो अच्छा. हाँ मतलब इट इज वो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब वो है, जनरेशन काफी है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है. मैं स्पेशली आई कैन टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बट इलीगल ट्रेड की वजह से वो लोग डायरेक्टली म्यांमार को ट्रांसफर कर देते हैं. तो अगर इलीगल ट्रेड को, मतलब अगर म्यांमार को जरूरत है तो इंडिया को भी होगी. अगर दे कैन यूज इट देन वी कैन ऑल्सो यूज दैट प्रोडक्ट. सो जैसे कि बैम्बू स्ट्रॉज हो गए, और ऐसे भी जो बहुत सारे घर बनते हैं,
हम वो परमानेंट तो बनाते नहीं है, है ना? तो बैम्बू कैन गिव इवन मतलब एक है कि अल्टरनेट ऑफ वो इको टूरिज्म में पूरा यूज हो सकता है, जो प्लास्टिक एलिमिनेशन का जो वो सब है उसमें सब यूज हो सकता है बैम्बू। सर कोई नई इंडस्ट्री तो नहीं, बट अगर पुरानी इंडस्ट्रीज में ही देखें तो एपिकल्चर, पिसिकल्चर और ये सारे जो ट्रेडिशनल जूलॉजिकल कल्चरल मेथड्स हैं जो जिससे बेसिक फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं और सिल्क और ये सब बनता है, उसको भी अभी काफी कम वैल्यू मिलता है इंडिया में। मतलब दिस हैज गॉट पोटेंशियल आल्सो, कुछ नया सोचो ना, मतलब अभी नहीं तो फिर बाद में मुझे सोच के बताओ। एनीथिंग व्हिच वाज नॉट एग्जैक्टली देयर इन इंडिया, इट इज नॉट एग्जैक्टली देयर इन इंडिया, बट वी कैन मतलब फाइंड दैट इंटायर इकोनॉमी आउट ऑफ इट, मतलब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री डेवलप हो सकता है व्हिच विल बोलो कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोच के बताओ, है ना? तो हम समझे, तो ये तुम लोगों के लिए असाइनमेंट रहा, विद इन द क्लास भी तुम्हें ध्यान में आता है तो बताना मुझे, और आफ्टर क्लास भी तुम्हें ध्यान में आता है तो बताना कि किस इंडस्ट्री पे हम फोकस करके वी कैन जस्ट, मतलब जैसे देखो पहले वो नहीं था, जिसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस, बीपीओ इंडिया में नहीं था, है ना? बट इट गॉट, मतलब ऐसा नहीं किसी गवर्नमेंट ने खोजा या फिर, बट इट गॉट डेवलप्ड एज अ इंडस्ट्री इन इंडिया एंड इट एम्प्लॉयड लैक्स ऑफ पीपल एंड इट जनरेटेड लॉट्स ऑफ मनी एंड विद इन, मतलब होता है ना कि एक्सपोर्ट लेट रहा, विद इन इकोनॉमी भी बहुत मोबिलिटी बढ़ी, लॉट मेनी पीपल गॉट एम्प्लॉयड, तो एक मतलब न्यू काइंड ऑफ इंडस्ट्री वॉज क्रिएटेड एट दैट टाइम। ऐसा नहीं है कि इसको गवर्नमेंट ने किया या फिर गवर्नमेंट ने कुछ इसके लिए सपोर्ट किया, हो सकता है किया भी हो, but if you are asked to find out any similar kind of potential industry jisko hum not in that scale also chote scale pe bhi isko hum kar sake to batao ek maine nsrcl mein submit kiya tha ki jaise ki metro cities mein ya tier 1 tier 2 cities mein jo bhi aise logo ke rituals hote jaise death ritual ho gaya, koi havan karana ho gaya, to jo log jaise ki 6 brahman chahiye 10 7 brahman chahiye to wo available nahi hota hai। तो ऐसा एक ये हो गया ना कि अनऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे मतलब यू कैन एक्सेस देम एंड यू बुक देम, यू पे द मनी एंड देन यू एक्सेस द सर्विस एज अ सर्विस उसमें, क्योंकि हर जगह पे ऐसा थोड़ी है कि मिल जाएगा आपको कि आप ऑर्गेनाइज करके भी नहीं कर सकते, आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, आपको बनारस से चाहिए आप बनारस से कनेक्ट कर लो। तो मतलब ये तो मोर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल आइडिया हो गया रेदर देन इंडस्ट्री के लिए। सर आई थिंक वी कैन एक्सप्लोर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, लाइक हम लोग अभी सेमीकंडक्टर, अभी बैटरी, सेमीकंडक्टर से याद आया, बैटरी पे गवर्नमेंट बहुत विचार कर रही है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना? और इसकी इंडस्ट्री बढ़ेगी तो बैटरी का डिमांड ऑफ कोर्स बढ़ेगा, एंड बैटरी इज वन थिंग जिसका रॉ मटेरियल इंडिया के पास है सफिशिएंट अमाउंट में। तो सर मतलब रॉ मटेरियल्स तो सफिशिएंट नहीं कहूंगा, क्योंकि देखा जाए तो बहुत कम लिथियम, मतलब कंपैरेटिवली बहुत कम लिथियम है दूसरी कंट्रीज के हिसाब में, और प्रॉब्लम ये भी है कि सर अल्टरनेट जो बनता है, अभी यूज को तो पढ़ रहा था मैं, गैलियम नाइट्राइड भी है सर, एल्युमिनियम आयन बैटरीज भी है, एल्युमिनियम आयन बैटरीज भी है सर अल्टरनेटिव, इस पर रिसर्च हो रहा है, वो भी है। और बताओ sir, I think clothing industry, and that too with the use of the fabrics that rural India makes, like the hand spun fabrics and all, because there is no systematic work happening there. We are almost attracted towards all those international clothing brands, and which is exploited at so many levels, like human rights exploitation hota hai aur and a lot of other stuff, and sustainability nahi hai bilkul bhi unke products mein. So I think there should be our industry, our clothing industry that needs to be grown, because there is a lot of talent in the rural India, like the women, and also we can give a lot of employment to women through that.
इंडस्ट्री है ना सर, जो जैसे कि ये अमेजोन, मिंत्रा और आजियो ऐसे कुछ इंडी आर्ट्स बोल के रखते हैं अपने सेगमेंट में, तो उसमें मतलब आई हैव इंटरव्यूड पीपल, तो उनका काम बेचते हैं बट दे डोंट गेट एनी बेनिफिट. सो ये पूरा जो सीएसआर का इनिशिएटिव जो होता है ना दिखाने के लिए कि मतलब हम एम्पावर कर रहे हैं, उस चीज को वी हैव टू पुट अ स्टॉप ऑन दैट. सर यस, बिकॉज वहां पे फेयर ट्रेड नहीं है. We don't give them the profits of the work that they do, and they do really hard work. I'm talking about कि कोई नया इंडस्ट्री मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ, बिल्कुल नया, जैसे बैटरी है या इलेक्ट्रिक कार भी. अब तो बहुत हद तक इंडियन कंपनीज आर मेकिंग एडवांटेज इन दैट. जैसे जैसे तुम देखोगे कि इंडियन जितने भी कार का मार्केट है, ऑटोमोबाइल मार्केट है, तो एक और दो ही इंडिजीनियस है, जैसे महिंद्रा हो गया या फिर आपका टाटा हो गया, ठीक है. रेस्ट ऑल आर मतलब वो एफडीआई बेस्ड बाहर की. तो अगर जब आने वाला जो पूरा डिसरप्ट हो रहा है ऑटोमोबाइल मार्केट एंड लॉट मेनी न्यू कंपनीज आर बीइंग क्रिएटेड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, तो इंडियन इंडिया की कंपनीज भी उसमें अगर आगे बढ़े तो वो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वी वुड बी द वन हु विल प्रोवाइड कार्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड, है ना. क्योंकि क्योंकि मतलब जो लर्निंग कर्व इनका जो होता है ना बहुत हाई होता है. So this is the time where मतलब we have the window of opportunity to be and be there and excel ourselves in that. So वो भी एक है, but already it has been started. कभी दो तीन साल पहले इस पे हमने बात किया था in similar discussion. But अभी तुम अगर देखोगे ना तो we have numerous startup who are working in electric car or automobiles. कुछ और बताओ. So like digital sector. डिजिटल सेक्टर में क्या? बिग डेटा. बिग डेटा इज ऑलरेडी देयर, मतलब वो तो ऑलरेडी वर्क हो चुका है, एक्सप्लोर हो चुका है. नाउ लॉट मेनी पीपल आर ऑलरेडी बीइंग एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड हो चुके हैं सर. सर जो ऐसे फ्रैक्चर या ऐसा कुछ होने पे, आई फॉरगॉट द नेम, वो जो प्लेट्स लगाते हैं ना बॉडी के अंदर, वो बहुत सारे प्रोड्यूस नहीं होते इंडिया में, वो बाहर से इंपोर्ट करके लाते. जैसे लिगामेंट टेयर हो गया तो उसको जोड़ने के लिए विद वो जो ये तो तुम ये मैं समझ गया, तो क्या कर रहे हो जो सो मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का ना. हां नॉट एग्जैक्टली इंस्ट्रूमेंट्स बट द इम्प्लांटेशन के लिए जो चीज चाहिए होती है. हां वो इम्प्लांट करने ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है, बट इसको हम बिग वे में वी कैन एक्सप्लोर इट. क्योंकि एक तो मेडिकल टूरिज्म बढ़ने से हमारे अपनी भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, है ना. एंड वी आर जस्ट इंपोर्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज. तो जैसे पीपी किट वगैरह जो था पहले हम मंगाते थे केवल, नाउ वी आर वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड. सो प्राइवेट डिफेंस की चीजों के ओनर्स, मतलब लाइक जैसे यूएस में लॉकहीड और ये सब है, तो बिल्कुल बोल सकते हो इसमें कोई. देखो मतलब देयर कुड बी रिजर्वेशन फ्रॉम माय साइड कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. But this is the one thing that I was expecting. कुछ नया चीज बोलो. चलो ठीक है, ये भी एक इंडस्ट्री है जो we can explore or government can explore. Sir, हाँ सर, मतलब ट्राई तो कर ही रहे टाटा को और इन सब को देने का, बट बेसिकली जैसे ये तो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट हुए. मेरा कहना था कि एक पूरा एक बड़ी कंपनी सिर्फ रिलेटेड टू डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स. तो लेट ऑल द कंपनी कम टुगेदर का आने दो कंपटीशन. बट इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? मोनोपोली डेवलप करने से इंडस्ट्री से नहीं होगा ना. लेट लेट अदर कंपनी कम. और जो जैसे वो है ना कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, तो वो इम्पोर्टेंट भी है इंडिया जैसी कंट्री में. ऐसा नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है. और कुछ बताओ. सर, देयर शुड बी इंडस्ट्री फॉर पेपर बैग्स एंड ऑल. लाइक आई सी ऑन अमेज़न एंड ऑल, लाइक द पेपर बैग्स एंड एवरीथिंग आर वेरी कॉस्टली. लाइक इट्स स्टिल नॉट बीन अवेलेबल टू यू एट द मिनिमल प्राइस. सो देयर शुड बी एन इंडस्ट्री व्हिच कैन प्रोड्यूस ऑल दीज डिस्पोजेबल आइटम्स इन अ लाइक यू नो इन मोर सिंक्रोनाइज्ड मैनर. इसके मैंने सोचा था कभी, बट इट इज लाइक जब हैंडमेड है या फिर मतलब जो क्या बोलते हैं घरेलू जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के थ्रू जो प्रोड्यूस होता है, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का एडवांटेज मिलता भी नहीं है जल्दी. वो स्मॉल स्केल ही प्रोड्यूस हो पाता है, दैट्स व्हाई देयर कॉस्ट आर वेरी हाई. बट हाँ ठीक है, मतलब यू कैन एक्सप्लोर दैट आल्सो, है ना. सो और भी बताओ. चलो ठीक है, इसको तुम लोगों को होमवर्क दिया है ना.
propelling export, export led economy and more participation in global supply chain as supplier side. ये पहले भी हमने बात कर रखा है कि जो मतलब हम part of the global economy बहुत सारे product supply chain के हैं, but that is consumer side. But हमें supplier side में change होना है. Social security is one thing which government must do for everyone. इस social security का मतलब क्या होता है? Can anybody tell me what do I mean by social security? बताओ. सर क्वेश्चन वापस से रिपीट कर दो. सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? मतलब एक बेसिक वल्नरेबिलिटी से दूर रखना किसी सेक्टर को, लाइक रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीज जो बेसिक लाइफ नीड्स है वो सारी मिल जाए तो एक शेल्टर टाइप. लेकिन आज के टाइम में रोटी कपड़ा और मकान के अलावे इंटरनेट और भी कई सारी छोटी छोटी, हाँ मतलब वही कि अपने जो बेसिक राइट्स हैं ह्यूमंस के लिए वो नहीं, इसमें थोड़ा और भी चीजें ऐड होती हैं. जैसे मान लो कि सोशल सिक्योरिटी इज मोर ऑफ कि जैसे मान लो कि इफ समबडी इज वर्किंग ऑन डेली बेसिस, ठीक है, आप 300 रुपया डेली कमा रहे हो एंड ऑल ऑफ सडन द पर्सन गॉट वो क्या इल और 7 दिन तक नहीं अर्न कर पाया, तो वो 7 दिन के लिए ना चूंकि हैंड टू माउथ है तो 7 दिन ही हैज नो इनकम बट ऑल द एक्सपेंडिचर लाइक बिफोर, तो यहाँ पे वो सिक्योर नहीं हो पाया बाय डूइंग इवन लॉट मेनी डेज ऑफ वर्किंग. तो हमारे मतलब मेरे जो सोशल सिक्योरिटी टर्म है उसका मतलब यही था कि ऑल दोज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स या डेली बेसिस के वर्कर्स जो है या फिर इवन द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जैसे ठेला वाला लगा रहे हैं, जैसे पकौड़ा वाला, जैसे अभी बहुत डिस्कशन चल रहा था कि मोदी जी ने बोला कि पकौड़ा वाले भी तो एम्प्लॉयड कहलाएंगे, बट अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो पकौड़ा वाला इज नॉट एम्प्लॉयड, है ना, वो जॉब नहीं कहलाएगा. क्यों? क्योंकि उस जॉब की सोशल सिक्योरिटी नहीं है. तो मतलब यूएन या फिर कोई भी इकोनॉमिस्ट जो डिफाइन करते हैं जॉब को, वो तब उस जॉब को जॉब बोलेंगे, प्रॉपरली एम्प्लॉयड बोलेंगे व्हेन दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट हैज अ सर्टेन डिग्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी. तो जैसे मान लो कि मैं अगर किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ऑल ऑफ सडन एक महीने के लिए मैं बीमार पड़ गया, अगर कंपनी निकाल दे तो वो सिक्योरिटी नहीं कहलाएगा. तो कंपनीज की पॉलिसीज तो ऐसी बनाई गई है, गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किया है कि आप किसी को ऐसे निकाल नहीं सकते, ऐसे मोमेंट्स पे इतनी छुट्टी देनी पड़ेगी, इतना आप एक्स्ट्रा दे सकते हो, और कई कंपनी अपने एंड से भी ज्यादा डिग्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी बनाती है. बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो गया या फिर लॉट मेनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, और जो डेली वेजेस वाले हैं या फिर स्मॉल वेंडर्स हैं या ठेला वाले हैं, इनके लाइफ की तो सोशल सिक्योरिटी है ही नहीं लाइफ में. तो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ, तो इसको भी हाँ यूनिफॉर्मिटी, मतलब मेरा ये सोशल सिक्योरिटी जाकिया कि मेरा ये मतलब था कि उनके जो एम्प्लॉयमेंट है दैट शुड सफाइस द नीड ऑफ देयर इमरजेंसी नीड्स, मतलब इन द टाइम ऑफ देयर इमरजेंसी नीड्स. तो जैसे इसका एक उपाय लोगों ने किया माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की वजह से प्राइवेट लेवल पे, है ना, गवर्नमेंट ने उसको किया वो जीवन बीमा जो नया वो आया था जनधन योजना के साथ, इस तरह के कई सारे उसमें एस्पेक्ट्स में. जैसे सोशल सिक्योरिटी ये भी है कि वो पर्सन अगर डेथ हो जाए अर्निंग पर्सन की तो उसके फैमिली का क्या होगा, या फिर उनके फैमिली में किसी पर्टिकुलर मेंबर, जैसे इस लड़की की शादी है एंड दे नीड मतलब बिग अमाउंट ऑफ मनी एट दैट टाइम, और तो ऐसे सब मोमेंट्स के लिए. तो ये सब सोशल सिक्योरिटी के फीचर्स हैं विच एम्प्लॉयमेंट और टाइप ऑफ जॉब्स, मतलब एवरी टाइप ऑफ जॉब्स शुड कंटेन इन इट, बट ऐसा तो हम बना नहीं सकते. वी कैन नॉट फोर्स पीपल टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयर टू पुट सोशल सिक्योरिटी वो इन देयर एम्प्लॉयमेंट वो क्राइटेरिया. तो फिर या भी जो तुम अभी शैडो एम्प्लॉय ये बोल रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे थे, जो ठेला वाले और ये सब है, तो इन ये कैसे अपने लेवल पे करेंगे? तो गवर्नमेंट नीड्स टू कम अप विद द डिफरेंट पॉलिसीज विच कैन ब्रिंग दोज कंपोनेंट होती है. तो जो आयुष्मान भारत योजना है या फिर जीवन बीमा है या फिर पीपीएफ जो है कि जो आप अपने एंड से भी आप पीपीएफ खुलवा सकते हो, ये सब कई सारी चीजें हैं जो उसको फुलफिल करता है. बट वी नीड टू डू अ लॉट फॉर दैट, मतलब अभी ये बिल्कुल 2% भी नहीं है व्हाट वी नीड इन टर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी. तो अगर इस पे इनोवेशन चाहिए, इस पे डिटेलिंग चाहिए, इस पे मतलब होता है ना कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए, तो ब्रिंग दैट सोशल सिक्योरिटी फैक्टर इन इट. ठीक है, तो ये जो है, आज हम लाइवलीहुड पे बात नहीं करेंगे बिकॉज लाइवलीहुड इज स्टिल अ वेरी गुड टाइप ऑफ मतलब
इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज ऑफ दिस डिस्कशन, तो मैं इसको जल्दी में नहीं कवर करना चाहता, तो लेट्स कीप इट फॉर द नेक्स्ट क्लास, है ना। यहाँ तक में बताओ, किसी को कुछ और पूछना समझना है या कुछ बात करना है? देखो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी एज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बट वी हियर आर मतलब हम लोग ऐसा यहाँ पे क्यों इकट्ठा होते हैं, बिकॉज वी कैन एक्सप्लोर आवर नॉलेज, वी कैन एक्सप्लोर आवर थॉट प्रोसेस। क्योंकि आपको जब प्रोफेसर पूछेंगे तो वो अप्रिसिएट करेंगे व्हेन वी विल ब्रिंग सम ओपिनियन और न्यू काइंड ऑफ मतलब होता है इनोवेशन वाले फैक्टर को भी अगर दिखाओगे, आपके पर्सनालिटी का वो एस्पेक्ट भी दिखाओगे, दोज वो कैन स्ट्रगल एंड फाइंड न्यू वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स, तो उस पर आपका मतलब सिलेक्शन भी अच्छा होगा और आने वाली लाइफ भी ईजी होगी। तो यू कैन पुट एनी डिस्कशन हियर, आप रख सकते हो, कोई पॉइंट पे बात करना कर सकते हो। डू यू हैव एनीथिंग टू डिस्कस राइट नाउ? नेक्स्ट क्लास में विल बी टॉकिंग अबाउट ये लाइवलीहुड इश्यूज और विल बी टॉकिंग अबाउट सम इनोवेटिव वे टू इंटरवीन ऑन लाइवलीहुड। पूछोगे कि थैंक यू बोलूं मैं? बात ही नहीं करते तुम लोग। अस्मिता सर, मेरा एक डाउट था। आपने स्टार्टिंग में जो रिसेशन के बारे में बताया था सर एंड इट्स इफेक्ट, तो सर यूजुअली वी सी कि जब भी रिसेशन होता है या स्लो डाउन होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट्स पे दिखाई देता है, बट सर दिस टाइम स्टॉक मार्केट जो है वो लगातार 50,000-45,000 के पार जा रहा है, ऐसा क्यों? ये इसीलिए ना COVID-19 रिसेशन मैंने अलग से लिखा था, एंड वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट योर ओपिनियन कि इस बार के रिसेशन में क्या तुमने देखा, है ना। तो आई मिस टू मेंशन दैट पॉइंट आल्सो, मेरे दिमाग में था कि जिस जनरली रिसेशन में सबसे बड़ा जो चेंज आता है वो मतलब होता है कि क्या बोलते हैं उसको, क्रैश ऑफ स्टॉक मार्केट्स ऑफ वर्ल्ड, बट दिस टाइम दिस डिडंट हैपन बिकॉज एवरीबॉडी न्यूज़ की पोटेंशियल इज स्टिल देयर, मार्केट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, एंड मार्केट नहीं मतलब द इकोनॉमी और द पीपल और द इंटायर जो सप्लाई चेन पहले का था बना हुआ दैट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, सो देयर विल बी नो लॉस ऑफ ओवरऑल मतलब बिजनेस अपार्ट फ्रॉम दिस 2-3 or 5 months का ये, तो इसलिए उस समय लोगों का भरोसा स्टॉक मार्केट पे रहा, है ना। एंड थोड़ा एक इस रिसेशन में ये भी चेंज हुआ बहुत कि जो सोशल इनइक्वालिटी थी, नहीं इनकम इनइक्वालिटी थी, वो भी बहुत राइज की, है ना। इवन वी मस्ट हैव रीड द रिपोर्ट्स कि इंडिया में बिलियनेयर्स बहुत बढ़े हैं, लॉट मेनी स्टार्टअप हैज गॉट लॉट मतलब इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, तो इसका बहुत सारा इकोनॉमिक एनालिसिस करना अभी भी बाकी है लोगों को, है ना। वी कैन नॉट बी वेरी श्योर अबाउट एनीथिंग, बट हाँ इस रिसेशन का एक इम्पैक्ट था। इम्पैक्ट क्या कहोगे, मतलब ये था कि स्टॉक मार्केट वॉज मतलब क्या बोलेंगे उसको, अनटच्ड, और जो नहीं उस पर असर पड़ा जितना पड़ना चाहिए था। यस सर। और कुछ बोलो? चलो फिर आज के लिए थैंक यू। फिर अभी इस इवनिंग वाली जो क्लास होगी हमारी उसमें आप डीएफ रिलेटेड डाउट अपना पूछ लेना, ठीक है। और किसी को अगर कंप्लीट करना हो तो डीएफ तो वो भी करा सकता है उस समय इवनिंग वाली क्लास में, ठीक है। तो इट्स नॉट फॉर एवरीवन, आपका जिस अगर डीएफ वगैरह बाकी है तो उस समय आप करवा लेना 7 PM पे। अच्छा तुम लोग जो नए हो, आशुतोष प्रियांशु ये लोग, तुम लोग को अभी सिर्फ बायो स्केच लिखना है, नॉट वाई दिस कोर्स। वो हम एक एक कोर्स का क्या बोलते हैं कि कोर्स अलाइनमेंट करेंगे, उसके बाद वाई दिस कोर्स लिखना, ठीक है। तो चाहो तो लिख के रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। क्योंकि करेक्शन ऑलवेज बेटर देन क्रिएटिंग अ वेरी न्यू एट दैट टाइम। तो अगर लिखोगे कुछ तो मुझे भी आइडिया मिलता है कि व्हाट आर यू थिंकिंग फॉर योर कोर्स, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।